आज मैं आपको स्काउट की पूरी वर्दी के बारे में बताऊंगा। ये हमारी इस तरह की टोपी लगेगी, इसका ये बैच में इस हाथ जो सब पे ये टोपी है, ये बैरेट कैप है, ये एक सर का ताज है और इसमें इस तरह की डिज़ाइन बननी चाहिए। और हमारे ये स्कार्फ इस तरह का होना चाहिए, गॉगल और इस तरह की कमीज और पैंट बेल्ट और जूते काले कलर के और मोजे और ये बैज लगे होने चाहिए, ये लगा होना चाहिए और इस तरह के बैज उत्तराखंड के बैज होने चाहिए इस साइड और पीछे से स्कार्फ का ये जो ये पीछे से लिखा होता है ये साफ पीछे दिखना चाहिए, पीछे से लिखा होता है ये साफ पीछे दिखना चाहिए। ये बेल्ट है, ठीक। इसके बाद ये बेल्ट में इसमें हुक के अंदर ही होगा, ठीक। इसके बाद ये आपका दीक्षा बैज है, ये ब्रदरहुड है, ये भारत स्काउट गाइड है, ये आपको सोल्जर बैज है जो उत्तराखंड का है, ये स्कार्फ है, स्कार्फ में बोगल है, बोगल में हमेशा जो त्रिदल कमल है ऊपर की तरफ होता है, ये कैप है कंपलसरी होती है, कैप में कैप बैज है जो थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा लगा है, इसको सीधा होना चाहिए अपनी जगह। इतनी चीज़ें हमारे और आपको यूनिफॉर्म में जूता, ब्लैक शूज एंड ब्लैक सॉक्स, ये मेरा है, ये शूज एंड सॉक्स ये है बिल्कुल ब्लैक, इसमें कहीं से आप किसी तरफ से देखेंगे कोई भी मार्क नहीं पड़ा हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दोनों जब भी कोई दिखाने को पूछता है तो ये पकड़ के खींचा जाता है। आपकी पैंट इतनी होनी चाहिए कि आसानी से आप खींच दो ऊपर तक आ जाए, ठीक है, लैगी नहीं होनी चाहिए। इसमें लगता है दोनों को पॉकेट का, आप जो देख रहे हैं ना ये ऐसे मोड़ो और इसको मोड़ो, दोनों को मोड़ने के बाद जहाँ सेंटर होता है वहीं पर रख करके सिलाई की जाती है, ये चीज़ होती है। आपको आपका भारत स्काउट गाइड है, ये वो एक दशमलव ये इतना इतना ऊपर लगेगा जितना हमारी उंगली है, ये इतनी एक उंगली की मोटाई के ऊपर, ये जो आपका इसका जो चौड़ाई है इस चौड़ाई के ऊपर ही लगती है क्योंकि इसके बीच में नेम प्लेट आनी है, भारत स्काउट गाइड इसके ऊपर लगता है। जी सर, अभी मेरे नेम प्लेट की जो थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है जी 0.01 mm।